कहा जाता है कि कलयुग में महाभारत जैसा एक और युद्ध होगा। इसे जीतने का दारोमदार होगा इन मुट्ठी भर हीरोज पर। स्पेशल बाबूजी के लिए मैं स्पेशल था। बचपन से उंगली पकड़कर मुझे यहां लाते थे और फिर इस कुर्सी पर बिठाकर यूं गोल 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 घुमाया करते थे कि ये सब तेरा है। पर सच कहूं तो सर घूम जाता था मेरा, घबरा जाता था मैं, और आज भी घबराता हूं। हर मिनट इसी बात की घबराहट होती है कि क्या मैं बाबूजी की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं। ये सब धन दौलत, ये सारा एम्पायर वो मुझ अकेले को सौंप गए। बाबूजी ने ये सब अकेले खड़ा किया। वो दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक थे। वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी, सिवाय एक चीज के, उड़ना। आज मां का सपना पूरा होगा। हर माँ का अपनी बेटी के लिए यही सपना होता होगा, पर ये हाथों में मेहंदी उनका सपना है, ये शादी का जोड़ा माँ का सपना है, मेरा सपना नहीं। मैं ख्वाब देखती हूँ। लगता है कि मैं उड़ सकती हूं, बस कदम बढ़ाने की देर है। कहीं है पागलपन तो नहीं? आई डोंट केयर। इसका बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या कर रहा है? बेटा मामा है ना, वो लोग किसी भी वक्त यहां आ धमकेंगे। वही जो इसके पापा को लेकर गए, वो हमारी जान के पीछे पड़े हैं और हमें बचाने वाला कोई नहीं। अकेली हूं ना, हर आहट से डर लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये तो बिल्कुल नहीं। मम्मा है ना, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। अब मैं आ गया हूं, अब भय का कोई कारण नहीं। मेरे प्रभु, आपकी जगह यहाँ है मेरे हृदय में। किनत्ता, सपने देखने बंद कर, काम कर, चल। न तो नालायक है, न तो ये नहीं कर सकता, न तो वो नहीं कर सकता। बस ये कह के ना, उन्होंने मेरी असली प्रतिभा पहचानी नहीं है। लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है और इन पर ये निश्चित है, एक दिन ये नत्था भी वीर बनेगा, शूरवीर। गलती बाबूजी, बहुत बड़ी गलती हो गई। असली वारिस मैं था, आपने उसे चुनकर गलती कर दी। देखिए, असली टैलेंट मुझ में है।
एक दिन गर्व होगा आपको इस बेटे पर, मुझ पर, रानी पर। सगे भाइयों में बैर कैसा? सच्चाई और बुराई के बीच फिर एक युद्ध की तैयारी। क्या पाप का विनाश होगा? अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत होती है, सुना सुना सा लगता है ना? शायद इस बार नहीं।